यह कानून का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ से जो लोग 2014 के पहले जो आके यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता यहाँ की हिंदुस्तान की मिल जाएगी। जो इशू वगैरह चल रहा था कि बाहर के लोग यहाँ पे भारत में आना चाह रहे हैं, तो अपने रिसोर्सेज तो उतने हैं नहीं। निश्चित रूप से ये मोदी सरकार का एक सकारात्मक कदम है। क्यों? क्योंकि जिन देशों ने अल्पसंख्यक, खास तौर पे हिंदू नस्ली, ये हिंदू सिख और बौद्ध लोग, जैसे जो वहाँ पे अत्याचार जिनके ऊपर हो रहा है, उन लोगों को यदि वो लोग भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जैसा कि विपक्ष द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून है, तो मैं इसे ऐसा नहीं देखता। मेरे नज़र में ये नागरिकता देने वाला कानून है, तो स्वागत योग्य कदम है। देख रहे थे काफ़ी 2019 से लेकर अब तक काफ़ी लंबा समय बीता है, कुछ लोगों ने विरोध भी किया है इसका। जी, विरोध राजनीतिक है, अन्यथा देश के अनुसार देखा जाए तो भारत ने यदि जैसे पाकिस्तान के या बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू है और जो बहुत सताए जा रहे हैं, यदि उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? आप क्या विचार रखते हैं जो CAA लागू हुआ है इसके बारे में? अच्छा, तो पहले तो ये देखो कि CAA का क्या फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना। तो ये ऐसा अभी जानकारी शाम को मिली है कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है, और ये एक अच्छा, अभी तो ये कह सकते हैं कि आगे जाके इसके इम्पैक्ट्स मालूम पड़ेंगे, इसके प्रभाव जो है आगे जाके मालूम पड़ेंगे, लेकिन अभी तो ये सोचा जा सकता है कि ये एक अच्छा स्टेप है जो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज से होके हमारे इंडिया में शिफ्ट हुए हैं लेकिन उनको सही ढंग से उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाई है, तो उसमें चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, या इस टाइप के जो लोग हैं किस कम्युनिटी के, वो हमारे यहाँ पे उनको सिटीजनशिप मिलेगी। तो एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा स्टेप है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए और उसे एक्ट का भी स्वागत किया जाना चाहिए। अभी जो इशू वगैरह चल रहा था कि बाहर के लोग यहाँ पे भारत में आना चाह रहे हैं, तो अपने रिसोर्सेज तो उतने हैं नहीं कि हम उनके लिए भी अपने यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ के रिसोर्सेज का भी कर सकें। एक्चुअली में प्रेजेंट में अभी हम लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हम लोग को भी जगह चाहिए, हम लोग को भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हम लोग को भी अभी हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज थोड़ी हैं, अभी हम लोग भी तो अपन डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह हैं। अगर ऐसे हर किसी को अपने यहाँ पे हम लोग आने देंगे ना, इससे हम लोग के रिसोर्सेज वगैरह भी तो छीने जाएंगे। अभी हम देखा, मैंने अभी अपने कहाँ पे अभी इंडेक्स आया था हंगर इंडेक्स में, हम वहाँ पे कहाँ पे अभी रिलाय कर रहे हैं, एक देखो कितनी 111 पोजीशन पे हैं हम अभी। तो क्या हमें अभी इस पोजीशन पे और लोगों को भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग खुद जूझ रहे हैं अभी हंगर प्रॉब्लम से। और हमें एक बात हमें ये भी पता है कि अगर हम अपने देश का भला चाहते हैं तो पहला नंबर तो हमें अनवांटेड लोगों को आने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको आने से नहीं रोकेंगे ना तो हम कहाँ पे देंगे भाई? अब जगह कहाँ दोगे आप लोग के लिए? आज जगह कितना इशू वगैरह हम देख रहे हैं, अब हम लोग के पास एग्रीकल्चर लैंड वगैरह भी कम होती जा रही है, रहने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है, और इसके बावजूद हम किसी और को भी जो आ रहे हैं देश से छोड़ के आ रहे हैं, हम सबका ठेका लेके थोड़ी ना बैठे यार भाई। देख रहे हैं सीए कानून लागू हो चुका है, सीए कानून का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ से जो लोग 2014 के पहले जो आके यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता यहाँ की हिंदुस्तान की मिल जाएगी। उसका कारण ये है कि ये लोग वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान जब बंटवारे हुए थे तब पाकिस्तान और ये जो बने थे ये मुस्लिम और हिंदू का जाति के हिसाब से बने थे ये, तो मुस्लिम लोग जो भी आए हुए हैं उन लोगों के लिए ये कानून नहीं है। इस कानून में सिर्फ हिंदू और सिख, ईसाई और ये लोग जो भी इन तीनों देशों से इंडिया में आए हुए हैं और रह रहे हैं, उन लोगों के द्वारा आवेदन करने पर इन लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। इससे किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं है। इसके बारे में किसी प्रकार की जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है कि मुस्लिम्स के खिलाफ है या उनके, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ जो अल्पसंख्यक उन तीन देशों में थे
और जो हिंदुस्तान में आ गए हैं उन लोगों की सुरक्षा के हिसाब से उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून लागू हुआ है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और होना चाहिए।